हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अरिंदर है। एज के टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हार्डवेयर की दुकान में जो नट बोल्ट बिकते हैं, स्क्रू बिकते हैं, कील बिकती है, तो वो आपकी जो किस किस साइज में आपके नट बोल्ट स्क्रू कील वगैरह हैं, वो सबसे ज़्यादा किस किस साइज में चलती है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको जो नट और बोल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये नट और बोल्ट हमारे ये इस टाइप के होते हैं, इसको तो हम बोल्ट बोलते हैं, और ये इसके ऊपर ये लगता है, ये हमारे होते हैं, इसको नट बोलते हैं हम। इसमें जो हार्डवेयर की दुकान में सबसे ज़्यादा जो साइज चलता है वो आपका ये 150 से स्टार्ट हो जाता है। ये 150 का साइज है आपके। 150 में आपके जो साइज चलते हैं वो 1.25 इंची चलता है, 1 इंची, फिर 1.25 इंची, फिर 1.5 इंची, फिर 2 इंची, उसके बाद में 2.5 इंची, उसके बाद में 3 इंची। ये आपका 3 इंची तक ही चलता है। उसके बाद में ये आपका आता है 200 का। ये जो है ये वाला जो साइज आपका 200 का है। 200 के जो आपके साइज में आपके आते हैं 0.5 इंची, 1 इंची, ये आपका 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, ये आपका 6 इंची तक आता है 200 का। उसके बाद में आपका साइज आता है 250 का। ये जो 250 का साइज होता है आपका, 1 इंची से स्टार्ट होके आपका ये नियर अबाउट 6 इंची तक चलता है। उसके बाद में आपका साइज आता है ये 3 सूत का। जो 3 सूत का आपका जो साइज है, 3 सूत का साइज आपका 0.5 इंच से स्टार्ट होके और आपका 12 इंच तक जो साइज होता है वो चलता है। उसके बाद में जो साइज आता है ये 4 फुट का आता है। 4 फुट में भी आपका 1 इंची से लेके आपका 12 इंच तक, 14 इंच तक चलता है। 14 इंच का मोस्टली आपका जो हाफ चूड़ी में होता है वो वाला आपका 14 इंची में चलता है। वो आपको जैसे मान लो कोई मोटर वगैरह लगानी हो, मशीन वगैरह लगानी हो, तो उस पर्पज़ के लिए आपका वो यूज किया जाता है जो हाफ थ्रेड वाला होता है। उसके बाद में आपका जो होता है 5 सूत, 5 सूत में आपका 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, और ये अप टू 12 इंची तक आपका जो साइज होता है, ये साइज आपका 12 इंच तक चलता है। और इसके जो बोल्ट होते हैं, बोल्ट आपके स्टील में भी मिल जाते हैं, और ये बेसिकली जो आपके ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, जो छोटा साइज है 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, आपके ट्यूबवेल के अंदर लगते हैं ये वाले जो साइज होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनमें, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इनमें जो इनकी जो थ्रेड होती है ना, वो थ्रेड आपकी दो तरह की थ्रेड आती है। एक इसमें मोटी थ्रेड आती है और एक इसमें बारीक थ्रेड आती है। जो मोटी थ्रेड आती है वो आपकी सूत के अंदर आती है, जो हम सूत में हम इसको नापते हैं, और एक जो थ्रेड आती है वो आपकी MM में आती है। MM जो थ्रेड होती है वो आपकी बिल्कुल बारीक थ्रेड होती है, जिस वजह से आपका जो स्क्रू होता है वो आपका रेट भी उसका महंगा होता है MM थ्रेड का, और उसकी जो चूड़ी होती है वो चूड़ी इसमें होती है, वो बारीक चूड़ी होती है। इसलिए जो हार्डवेयर की शॉप पे हमेशा जो सबसे ज़्यादा चलता है वो आपका सूत के अंदर चलता है। सूत वाले जो नट बोल्ट होते हैं वो चलते हैं, और आपके जो नट बोल्ट आपके MM थ्रेड के होते हैं वो 8 नंबर, 10 नंबर, वो 1 इंची, 2 इंची की निर्वाट आपका वो सही चलता है, और ज़्यादा वो आपके नहीं चलते। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्क्रू की। जो आपका स्क्रू होता है, स्क्रू बेसिकली हमारे 5 से 6 प्रकार के स्क्रू होते हैं जो हार्डवेयर की दुकान पे आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये वुडन स्क्रू आते हैं, ये आपके वुडन स्क्रू बोला जाता है इनको, ये हाफ थ्रेड के अंदर आते हैं, और यहाँ पे आपका ये इधर जो इसका हेड होता है ये माइनस हेड में बोलते हैं इसको। ये जो स्क्रू होते हैं पहले सबसे ज़्यादा चलते थे, लेकिन अब इनका प्रचलन कम हो गया है। अब कम ही मिस्त्री इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये जो स्क्रू होते हैं वो आपके ड्रिल बिट के अंदर प्रॉपर फिट नहीं बैठते, जिस वजह से मिस्त्री इसको लगाना पसंद नहीं करते। ये फिर भी कोई कभी कभार कोई मांगने के लिए आ जाता है तो उसके लिए चलते हैं। ये आपके 37 में आते हैं, 35.8 में आते हैं, उसके बाद में आपके और बड़े साइज में आपको 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची और 6 इंची तक आपको अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद में आपका आता है ये जो स्क्रू होता है, इसको हम बोलते हैं चिप बोर्ड स्क्रू।
ये आपका फोर हेड के अंदर आता है चिपबोर्ड स्क्रू, और ये जो स्क्रू होता है इस स्क्रू की जो मोटाई होती है सारे स्क्रू से ज़्यादा होती है, और क्वालिटी वाइज भी इसका जो थ्रेड है थ्रेड भी काफ़ी मजबूत थ्रेड होती है इसमें, जो गहरी थ्रेड होती है। ये बेसिकली जो आपके पलाई वगैरह में यूज होते हैं या चौखट जंगले बनाते हैं हम, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्क्रू होता है आपका ज़्यादा साइज जो चलता है इसका 1 इंची से लेके और आपका 4 इंची तक जो साइज होता है वो आपका इसका स्क्रू का चलता है, इसको हम चिप बोर्ड स्क्रू बोलते हैं। उसके बाद में आपका आता है ड्राई वॉल स्क्रू, ये आपका ब्लैक कलर का ये चाइनीज स्क्रू होते हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा चलते हैं स्क्रू, और इसमें ये आपके फोर हेड के अंदर आते हैं, और इसमें आपको ये आधा इंची से लेके आपका 3 इंची तक जो साइज आता है वो साइज सबसे ज़्यादा इसमें चलता है। उसके बाद में आपका आता है ये आपका जो स्क्रू होता है ये पॉलिश स्क्रू होता है, क्रोम पॉलिश का स्क्रू, ये आपका बेसिकली जो कब्जे होते हैं हैंडल वगैरह लगाते हैं चिटकनी वगैरह लगाते हैं तो जो डोर फिटिंग होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके स्टील के अंदर भी आते हैं और ये स्टील पॉलिश के अंदर भी आते हैं, दोनों तरह के इसके आपको स्क्रू आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ये जो आपकी इसका जो साइज है आपका 1.5 इंची से लेके और आपका 3 इंची तक इसका जो साइज है वो चलता है। उसके बाद में जो आपका जो साइज आता है वो आपका डायमंड बिट स्क्रू आता है, इसका जो आगे से ऐड होता है वो बिल्कुल आपका ड्रिल बिट होती है, जो आपके ड्रिल बिट जैसे ऐड होता है इसका, और पीछे ये फोर हेड में आती है आपकी। ये जो बेसिकली आपका जो यूज होता है इसका, इसका जो आपकी जापानी चौखट होती है जहाँ पे आपकी जो लोहे की चादर वगैरह होती है उसके अंदर आपको होल करनी है या जैसे मान लें हिंज वगैरह वहाँ पे लगानी होती है, तो उस पर्पज़ के लिए इस स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका फोर हेड के अंदर यूज होता है। एक जो स्क्रू आता है आपका डायमंड बिट के अंदर, आपका हैक्स हेड के अंदर स्क्रू आता है, या आपका ड्रिल बिट के अंदर आपकी 10 नंबर की जो आगे एक गोटी होती है उस गोटी में लग जाता है, और ये इसका जो बेसिकली जो यूज होता है आपका इस स्क्रू का, वो आपकी जो लोहे की चद्दर होगी या फिर आपकी फाइबर की जो सीट होती है वो उसको इंस्टॉल करने के लिए इस स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। ये डायरेक्ट आपका ड्रिल मशीन के आगे लग जाता है, और ये आपका किसी पाइप में या फिर आपका जो चैनल होती है उसके अंदर इजीली इसको होल करके ये ऑटोमेटिक अपने आप फिट हो जाता है, आपको अलग से ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये वाले स्क्रू भी आपके बहुत ज़्यादा चलते हैं, और इनका जो सबसे ज़्यादा जो साइज चलता है वो 1.5 इंची, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची के नियर अबाउट आपका जो साइज है वो चलता है। अब हम बात करेंगे जो ये जो हमारी कील होती है, अब हम बात करेंगे कील के बारे में। ये जो कील होती है ये कील, इसमें आपकी कील के साइज आते हैं वो और भी ज़्यादा साइज आते हैं, जो आपकी लकड़ी वगैरह का जो काम होता है उसमें जो कील आपकी चलती है वो आपकी 14 नंबर से स्टार्ट होती है, 14 नंबर 1 इंची, जो 1 इंची साइज है वो सबसे ज़्यादा चलता है 14 नंबर में, उसके बाद में 1.5 इंची हो गया, और उसके बाद में 2 इंची और 2.5 इंची, ये जो साइज होते हैं ये 14 नंबर में आपके सबसे ज़्यादा चलते हैं। उसके बाद में जो 2 इंची में जो आपका 12 12 नंबर आता है, 12 नंबर उससे हल्का सा मोटा साइज होता है, तो 12 नंबर जो साइज होता है आपका, वो आपका जो साइज चलता है 1 इंची, आपका 2 इंची, और उसके बाद में 2.5 इंची और 3 इंची जो साइज होता है वो सबसे ज़्यादा चलता है। जो आपकी जो 10 नंबर जो कील होती है बेसिकली वो आपकी जो सेटरिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जो 10 नंबर कील होती है वो कील सेटरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और 10 नंबर आपका 2.5 इंची सबसे ज़्यादा साइज चलता है। उसके बाद में आपका जो साइज आता है 8 नंबर, 8 नंबर में आपका जो साइज चलता है वो 1.5 इंची चलता है। उसके बाद में जो 1.5 इंची की जो कील होती है वो आपकी होल्फास वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद में आपका जो 2.5 इंची, 2 इंची और 3 इंची जो साइज होता है वो आपका 8 नंबर में चलता है। उसके बाद में आपकी जो पतली कील आती है, पतली कील इसमें जो साइज आता है 17 नंबर में आपका 1.5 इंची, टोपी में और बिना टोपी में 1 इंची और 1.25 इंची, ये जो साइज होते हैं सबसे ज़्यादा चलते हैं, ये प्लाईवुड वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद में आपका जो 17 नंबर के बाद में जो साइज आता है आपका 20 नंबर साइज आता है, 20 नंबर में आपका 1.5 इंची और आपका 1 इंच और 1.25 इंची जो साइज होता है वो चलता है। ये जो कील होती है आपकी जो शीशे वगैरह लगते हैं या फिर आपकी जो इसमें बाउंड्री वगैरह लगती है, अलमारी वगैरह में जो लगती है उसमें आपका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में एक ये आपकी जो कील आती है ये जाली की कील होती है, इसको हम ब्लैक कील बोलते हैं। ये जो जाली की कील होती है
आपके लिए, आपकी ये बेसिकली स्पेशल जाली के लिए कील आती है और ये कील में सबसे महंगी कील आती है। उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।